संभागीय परिवहन विभाग 31 मई से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य शुरू करेगा, लेकिन अन्य कार्यों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। जिसके संबंध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समस्त लाइसेंस संबंधित कार्य को 30 मई तक रोक लगा दिया गया था, लेकिन कार्य को प्रारंभ करने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि लर्निंग लाइसेंस पर 30 जून तक रोक रहेगी और पहले से बुक कराए गए सभी स्लॉट को निरस्त कर दिया गया है, जिसकी सूचना आवेदकों के मोबाइल नंबर पर दे दी गई है। एआरटीओ श्यामलाल ने बताया कि परमानेंट लाइसेंस बनाने का कार्य 31 मई से शुरू हो जाएगा और आवेदकों के स्लॉट को रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिसकी सूचना आवेदकों के मोबाइल पर दे दी गई है। उन्होंने बताया कि रिन्यूअल लाइसेंस डुप्लीकेट लाइसेंस के कार्य पर 15 जून तक रोक रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने कहा, मैं श्यामलाल, एआरटीओ प्रशासन गोरखपुर। परिवहन आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लाइसेंस संबंधी सभी कार्यों को दिनांक 30 मई 2021 तक स्थगित कर दिया गया था। पूरा उक्त कार्य को चालू करने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं। इसमें यह है कि शिक्षार्थी लाइसेंस दिनांक 30 जून तक स्थगित रहेगा और इसका सभी स्लॉट जो है निरस्त कर दिया गया है और सबके आवेदकों के मोबाइल पर भी इसका मैसेज चला गया है। दूसरा यह कि परमानेंट लाइसेंस, अस्थाई लाइसेंस जिसको कहते हैं, वो 31/5/2021 से प्रारंभ किया जा रहा है। उनका जो है पहले ही जो है स्लॉट का रिशेड्यूल कर दिया गया है, आवेदक के मोबाइल पर उसका मैसेज भी चला गया है। तीसरा, रिन्यूअल लाइसेंस, डुप्लीकेट लाइसेंस और इंडोर्समेंट, ये 15 जून तक इसका कार्य स्थगित रहेगा। दिनांक 16 तारीख से ये पूरा प्रारंभ किया जाएगा। इस प्रकार का निर्देश परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा दिया गया है।